जय भीम, मैं चेतना। जय भीम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। वाशिम शहर में आदर्श दंपति और समाजसेवी के तौर पर डॉक्टर ढोके दंपति की पहचान है। अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहते हुए नाममात्र पैसों में मरीजों का इलाज करते हैं। वहीं डॉक्टर नीता ढोके ने बेटी के जन्म पर नया उपक्रम चलाया है। वाशिम शहर में डॉक्टर ढोके दंपति के सिर्फ डॉक्टर के तौर पर ही पहचान नहीं की है, बल्कि एक समाज सेवक के तौर पर इनका कार्य सराहनीय है। डॉक्टर दीपक ढोके नाम मात्र पैसों में मरीजों का इलाज करते हैं, शिविर लेते हैं। वहीं अब उनकी पत्नी नीता ढोके एक नया उपक्रम बेटी बचाओ के तहत चलाया है, जहां भाग्यश्री सुकन्या योजना के खाते खोलकर लड़की के जन्म पर उन्हें भेंट दी जा रही है। जहाँ शहर के एक तरफ स्त्री भ्रूण हत्या की जा रही है, उसी दिशा डॉक्टर नीति ढोके की ये पहल सराहनीय है। जहाँ डॉक्टर द्वारा पहली किस्त खुद भरी जाती है, ऐसे डॉक्टर दंपति समाज के लिए एक मिसाल है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता दीपक ढोके। मैं डॉक्टर नीता ढोके। स्त्री भ्रूण हत्या को रोकने के लिए हमने भाग्यश्री सुकन्या योजना अक्रम चलाया है, जिसमें हमने स्त्री जन्म को बढ़ावा देने के लिए खाता खोला है, जिससे कि लड़की के जन्म को बोझ न समझे, खुशी से उसका स्वागत हो सके, इसके लिए हमारी ये कोशिश है। बुलढाणा जिला में महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संगठना ने अपनी मांगों को लेकर काम बंद आंदोलन किया। ये प्रदर्शन शेगांव तहसील कार्यालय में किया गया। कई सालों से महसूल कर्मचारी अपने प्रलंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसके पूरे न होने पर कर्मचारियों ने ये कदम उठाया। उनकी प्रलंबित मांगों को लेकर बारम्बार आंदोलन किए थे। इस पर दिनांक 6/8/2014 को तत्कालीन माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय महसूल मंत्री जी, माननीय अपर मुख्य सचिव महसूल और इत्यादि अधिकारी और पदाधिकारी के साथ में मीटिंग हुई थी, जिसमें महसूल कर्मचारियों की 4 मांगों को लेकर मान्यता दी गई थी। और इस संबंध में आश्वासन दिया था कि इस बारे में त्वरित शासन निर्णय निकालेंगे, पर अभी तक इन आश्वासनों की पूर्तता के लिए शासन की तरफ से कोई अभी तक GR नहीं निकला। इसकी वजह से, हमारी मांगे पूरी न होने की वजह से संपूर्ण महाराष्ट्र के महसूल कर्मचारियों ने बेमुदब काम बंद आंदोलन शुरू किया है। शासन से हमारी विनंती है कि हमारी मांग मानने की वही मांगों को लेकर त्वरित शासन निर्णय निकालने की। दुकानदार के लिए जो कमीशन बढ़ाया गया, इसलिए हम शासन का अभिनंदन करते हैं। लेकिन त्योहारों का उत्सव, त्योहारों का समय है, 19 तारीख को दीपावली है और महसूल कर्मचारी आज से जो बेमुदत संप उन्होंने पुकारा है, तो हमारी शासन सरकार को ऐसी मांग है कि दीपावली को हर लाभार्थी को माल मिले, इसलिए पर्यायी व्यवस्था बनाकर कोई भी किसी भी लाभार्थी की दीपावली बगैर राशन की ना हो, इसलिए हम शासन से मांग करते हैं कि सब लोगों को दीपावली को राशन। बुलढाणा जिला के मलकापुर तहसील उमाली के CRPF जवान शेख आजिज शेख लतीफ की संदेहास्पद तरीके से मौत हो जाने से मृतक के परिवार ने न्याय की मांग करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू किया। CRPF जवान राजस्थान में अपने कर्तव्य पर था। छुट्टियों में अपने गांव लौटने पर दोस्तों के साथ घूमने जाने के दौरान कुएं में गिरकर मौत हो गई। लेकिन एक CRPF जवान की मौत इस तरह से होना के सवाल खड़े करते हैं। लेकिन इस मामले में पुलिस ने कोई जांच नहीं, जिसके बाद परिवार ने न्याय की मांग करते हुए पुलिस निरीक्षक कार्यालय के सामने आमरण अनशन किया। अजीज शेख लतीफ, ये मेरा भांजा है, मैं उसका मामू है। उसको ये लोगों ने गांव के लोगों ने 4 लोगों ने घर से ले गए, बुला के ले गए। क्या वहाँ जाने के बाद में बॉडी में उसको मार डाले। उसके बाद में हमारे बहनों जवाई और ये ले गए। एक आदमी बोलने के लिए, तुम्हारा अजीज कहाँ है? तो बोले बावड़ी में है। बोले ये लोग बोलने गए तो बोले वहाँ गए तो वो 4 लोग खड़े हुए थे। गिरे में मेरा बच्चा का, तुम्हारा बच्चा बावड़ी में, ऐसा उन्होंने बोले। रायगढ़ के सुधागढ़ पाली में महाराष्ट्र राज्य शासन अंतर्गत सुधागढ़ खरीदी बिक्री संघ का आधारभूत हम योजना अंतर्गत खरीदी केंद्र का उद्घाटन तहसीलदार के हाथों किया गया। किसानों के माल को योग्य भाव देने के लिए धान खरीदी केंद्र खोले गए। जिला पणन अधिकारी श्री ताटे KV, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। इस साल जो आधारभूत धान खरीदी योजना है, वो उसमें पिछले साल के 1470 के इसमें 80 रुपये बढ़ा के सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1550 रुपये का कॉमन पैडी को
और 1590 रुपये ए ग्रेड पैडी को रेड डिक्लेयर किया है। अब तक के इतिहास में 2002 से रायगढ़ जिले में सबसे लेट जो प्रोक्योरमेंट सेंटर चालू होते थे वो इस साल बहुत जल्दी चालू हो गए, और इस साल लोगों ने या अपने व्यापारियों ने, खरीद बिक्री संस्था ने जो आगे आके बोले कि हमारा प्रोक्योरमेंट सेंटर ओपन करने के लिए, उन्होंने अपने अनिकेत राइस मिल वाले मापारा सेट है, उन्होंने खुद बोल दिया कि मेरा गोडाउन रेडी है, वहाँ आप प्रोक्योर कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर अभी ये अपना रायगढ़ जिले का 5वां केंद्र है, यहाँ पर सुधागढ़ तालुका खरीद बिक्री के माध्यम से यहाँ चालू कर दिया। परभनी जिला के पाथरी तहसील स्थित प्रज्ञा प्रदीप बुद्ध विहार गौतम नगर में वर्षावास संपन्न हुआ। गत 3 महीनों से बुद्ध धर्म ग्रंथ का पठन किया गया। वर्षावास समापन कार्यक्रम में भिक्षु संघ को चीवर दान और भिक्षु संघ ने उपस्थित उपासक उपासिकाओं को धम्म देशना दी। आज के इस संसार में सभी लोग चाहते हैं कि हमें सुख शांति का अमन का जीवन मिले, सचमुच लोग चाहते हैं और ऐसा ही हो, इसलिए बुद्ध के राह पर चलो जी। जो लोग, जो समाज जी, जो परिवार और जो देश बुद्ध की राह पर चलते हैं, बुद्ध का संदेश जो है वही शांति दूत कहलाते हैं। उन्होंने ही मानवता में शांति लाने के लिए धर्म की खोज की और धर्म का संदेश सारे संसार को दिया। इस हाल में अभी जो यूनो का निर्माण हुआ है और जो ह्यूमन राइट्स है वही भगवान बुद्ध के तत्व प्रणाली पर चलती है, इसलिए अभी जो तीसरा महायुद्ध है वो नहीं हो रहा है और वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक पूरे देश को और पूरे वर्ल्ड को ये जो दो संगठन है संभालेगी, वही बुद्ध की शांति के मार्ग पर चलेगी, तो मानव जात सुखी रहेगी, हैप्पी रहेगी। भगवान सभी मानव के कल्याण के लिए, हित सुख के लिए यही कहते हैं कि सभी लोग भाईचारा से रहे, सभी खुद भी सुख का जीवन जिए जी, औरों को भी सुख का जीवन जीने के लिए प्रयासरत रहे। तो भगवान बुद्ध ने ये संसार में रहे 1000 साल पहले जी, ये सत्य का खोज करके ये सत्य ज्ञान जी पूरे संसार को बांटा, और पूरे संसार में जिस जिस देशों ने और जिन जिन परिवारों ने, समाजों ने उनके मार्ग पर चले और चल रहे हैं, वो पूरे के पूरे हैप्पी है, सुखी है, आनंदी है। हम चाहते हैं कि पूरा विश्व सचमुच सुखी रहे, हैप्पी रहे और बुद्ध के राह पर चले। बुद्ध ने जो पंचशील दिया है सचमुच थोड़े देखो, थोड़ा जानो, पंचशील ये ऐसा है कि अगर कोई किसी की हत्या न करे, सचमुच कोई किसी की चीज़ न उठाए न ले, इसे चोरी कहते हैं, अगर कोई सचमुच व्यभिचार न करे, यानी कि किसी औरत पर बुरी नज़र ना रखे, किसी मर्द पर बुरी नज़र ना रखे, पति पत्नी एक निष्ठता के साथ रहे, कोई झूठ न बोले, कड़ी भी बात न बोले, किसी से निंदा नालस्ती न करे और ऐसी फजूल की बात न करे, और कोई नशा पतन न करे, तो सोच के देखो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो कितना सुख का जीवन जीता है। ऐसे व्यक्ति से बना हुआ समाज अगर पंचशील धारण करने लगेगा तो समाज हैप्पी होगा, और उन्हीं समाजों में से बना हुआ जो देश होता है, राष्ट्र होता है, वो भी हैप्पी रहेगा। 3 अक्टूबर 1957 को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इस वर्ष रिपब्लिकन पार्टी को 60 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस उपलक्ष में हिंगनघाट में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस वर्धापन दिन का उद्घाटन किया गया। ये कार्यक्रम रिपाई के उपाध्यक्ष गोकुल पांडे, अमरावती के श्री खंडाळे, नरेंद्र पाटिल, अशोक पाटिल की उपस्थिति में संपन्न हुआ। वही डॉक्टर एम आर नगराळे, सुनंदा इंदुरकर, इन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रयत्न किए। व विश्वाला समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, न्याय ही रिपब्लिकन तत्वे देणाऱ्या क्रांतिदूत तथागत भगवान बुद्धांना मी सर्वप्रथम वंदन करते। एकेकाळी स्वरलक्षणाची अलंकृत असलेल्या व परमपूज्य बाबांनी स्थापन केलेल्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया या पक्षाला आज 3 ऑक्टोबर 2017 रोजी 60 वर्ष पूर्ण होत आहे। त्यापित्यर्थ हा वर्धापन दिन हिंगणघाट येथे साजरा होत आहे। या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय डॉक्टर राजेंद्रजी गवई, सरचिटणीस आरपीआय, महाराष्ट्र राज्य आरपीआय अध्यक्ष माननीय सुबोधजी वाघमोडे, राज्य उपाध्यक्ष माननीय गोकुलजी पांडे, विदर्भ प्रदेशाध्यक्ष माननीय प्रकाश कुंभे नागपूर, तसेच
अमरावती विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूषण बणसोड हिंगणघाट समुद्रपूर्व सिंधी रेल्वे मतदार संघातील RPI कार्यकारिणी व संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये बाबासाहेबांनी दिलेल्या मातृसंघटन पुनर्जीवित करण्यासाठी जीवाचे रान करणारे सर्वांना लाडके द रिपब्लिकन पार्टी द रिपब्लिकन प्राध्यापक हर्षवर्धनजी ढोके सर व त्यांचे सहकारी बाभिमानी शतकांचा काळोख नाहीसा करून आपल्या जीवनात प्रकाशाची किरणे जागवली. आपण बौद्ध धम्म स्वीकारला. बाभिमानी अतिशय विश्वासाने 3 ऑक्टोबर 2017 60वा वर्धापन दिन या वर्धापन दिन च्या दिवशी सुनंदाताई इंदुलकर सारख्या एक शंकर महिला आम्हाला भेटला. हे आजचं एक प्रकारचं एक देण आहे असं मी समजतो आणि आजचा कार्यक्रम संपवतो. आणि हे जे पुस्तक आहे दुसरं आहे हे मोहिले जी आहेत जे रत्नागिरी जिल्ह्याचे खंदे कार्यकर्ते आहेत त्यांना आपण लवकरच पद देऊ. प्रशांत पवार साहेबांशी आपण बोलून घ्या. यांना मोठं पद मोहिले साहेबांना दिलं जाईल. मोहिले साहेबांनी एक पुस्तक लिहिलेलं आहे. नगराणे साहेबांवरती एक पुस्तक लिहिलेलं आहे. या पुस्तकाचं मी विमोचन करतो. जय भीम जय भारत. रायगढ़ के महाड़ के महावितरण कार्यालय के बाहर लोड शेडिंग को लेकर शिवसेना ने हंगामा किया. कार्यालय पर मोर्चा निकाला. शिवसेना का कहना है कि लोड शेडिंग से आम नागरिक के साथ किसानों को तकलीफ हो रही है. पूरा बिल भरने के बाद भी इतनी लंबी लोड शेडिंग क्यों? ऐसा सवाल उठाते हुए कार्यकारी अभियंता को निवेदन दिया गया. के फिलहाल मौजूद हूँ महाड़ में MSEB ऑफिस. जो आप देख रहे हैं पीछे मेरे MSEB ऑफिस है और जो भीड़ दिख रही है आपको ये मोर्चा निकाला है शिवसेना ने. शिवसेना ने मोर्चा निकाला है इसलिए क्योंकि यहाँ लोड शेडिंग की घनी मात्रा में लोग तकलीफ सह रहे हैं. इसके लिए हमें ये मोर्चे में आज क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं ये लोग देखेंगे और जानेंगे कि क्या कह रहे हैं. चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि लोग क्या चाहते हैं कि क्यों यहाँ पे इतने घनी संख्या में लोगों ने शिवसेना के लोगों ने यहाँ पे मोर्चा डाला है. महाराष्ट्र की सरकार बोल रहे हैं कि हम लोग खेती वाले लोगों को उद्योग वाले लोगों को गरीब जनता को जितनी चाहिए उतना बिजली दे रहे. अभी 8-10 दिन हुआ पूरे महाराष्ट्र में लोड शेडिंग चालू है. जो जगह लाइट बिल पूरे भरते नहीं वो हम लोग समझ सकते हैं. लेकिन हमारे ये कोंकण में और ख़ास करके हमारे रायगढ़ महाड़ में हमारे जो कंज्यूमर्स है वो पूरे लाइट बिल दे रहे हैं. तो फिर हमारे ऊपर अन्याय क्यों? जिधर जो लोग भरते नहीं बिजली का चोरी होता है तो उधर लोड शेडिंग हो तो चल सकता है. लेकिन हमारा और उसमें जो कुछ तफावत है तो उसका शासन हमको नहीं मिलना चाहिए. इसके लिए हम लोगों ने आज का ऐलान किया था और उन लोगों को सरकार को इशारा दिया है. पढ़ा शिक्षण प्रसार मंडल संचालित विनायकराव पाटिल महाविद्यालय का 50वां वर्धापन दिन संपन्न होने जा रहा है. इस सुवर्ण महोत्सव में राज्य स्तरीय व्याख्यान माला का आयोजन किया गया. इसकी जानकारी व स्थानिक नियामक मंडल के प्रमुख विश्वास पाटिल ने पत्र परिषद में जानकारी दी. मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित विनायकराव पाटिल महाविद्यालय, इस महाविद्यालय को इस साल 50 साल पूरे हो चुके हैं और इसी अवसर पर अपन गोल्डन जुबली अपने कॉलेज के स्टाफ के साथ, कॉलेज के विद्यार्थी के साथ और सोसाइटी समाज में के सभी माजी विद्यार्थी इनके साथ अपन ये सेलिब्रेट कर रहे हैं. और इसी के अंतर्गत अभी तक अपन ने बहुत से प्रोग्राम लिए हैं. उसमें से एक प्रोग्राम अभी आने वाले 12 तारीख से अपने कॉलेज में हो रहा है जिसका नाम राज्य स्तरीय व्याख्यानमाला रखा है. इसमें 3 दिन का ये प्रोग्राम चल रहा है और मैं आपसे सबसे अनुरोध करूँगा कि आप सब ये प्रोग्राम को अटेंड करिए. ये प्रोग्राम में जो वक्त अपन ने बुलाए हैं वो सब वेल नोन है और जो सब्जेक्ट जो कंटेंट जो मैटर सेलेक्ट किया है वो बहुत ही सेंसिटिव है और वो मैटर और उस पर जो मार्गदर्शन करने को जो स्पीकर आने वाले हैं उनका मार्गदर्शन हमारे साथ आप सबको भी होगा. इसलिए मैं आप सबको अनुरोध करता हूँ कि आने वाले 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आप सब कॉलेज में आइएगा. मैं मेरी तरफ से, मेरे प्रिंसिपल की तरफ से और पूरे कॉलेज के स्टाफ के ओर से आप सबको आमंत्रित करता हूँ. धन्यवाद. दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 के पास न्यू कोंडाली में स्थित करुणा बौद्ध विहार की संयोजन समिति की ओर से भिक्षुओं को चीवरदान का कार्यक्रम आयोजन किया गया जहां बड़ी संख्या में उपासक एवं उपासिकाओं की मौजूदगी दिखी. दिल्ली के जाने माने वक्ताओं ने धम्म पर प्रबोधन किया. Dhamma Chari Dhamma.
शहर में चक्रवर्ती सम्राट अशोक संघ भैरव नगर द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर व्याख्यानमाला सांगता समारोह और आदर्श सम्यक परिवार पुरस्कार का वितरण किया गया, जहां प्रमुख वक्ता के तौर पर ज्येष्ठ साहित्यिक उत्तम कांबड़े सर मौजूद हुए। 14 अक्टूबर 1956 को हमें धम्म दीक्षा दी, हमने वो स्वीकार की। हमारे बाबा साहब ने कहा कि नागपुर चलो दीक्षा लो, हमने धर्मांतर स्वीकार किया। लेकिन 60 सालों में हम बुद्धिस्ट का मतलब नहीं समझ पाए। बुद्धिस्ट होने के बाद अंदर और बाहर क्या बदलाव होता है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। जैसे हिंदू भगवान की पूजा करते हैं, वैसे ही हम बुद्ध की वंदना करते हैं। हमें उसी में सिमट कर रह गए कि सिर्फ बुद्ध वंदना करना ही बुद्धिस्ट नहीं, बल्कि बुद्ध के नियमों